हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सीवीगंज बरेली में। तो आज हम केमिस्ट्री कक्षा 12 है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का नेक्स्ट पोर्शन लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ईथर्स। तो यहां पर ईथर्स क्या होते हैं? ये जब दो एल्किल समूह, एक एल्किल समूह R और एक और दूसरा एल्किल समूह, ये एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहां पर अभी हमने सपोज कर लेते हैं कि ये अलग अलग हैं। तो एक को मैंने R लिख लिया है और एक को R'। तो जब ये एल्किल समूह किसी ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं इस तरह से, तो ऐसे पदार्थों को हम ईथर कहते हैं। तो इन्हें किस तरह से निर्मित किया जाता है, आइए देखें। तो सबसे पहले बिरचन की विधियां या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला इसकी जो प्रयोगशाला विधि है वो है विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि, इसे प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। क्या होती है ये? जब हम इस विधि द्वारा हम जो ईथर्स हैं इन्हें सममित ईथर भी प्राप्त कर सकते हैं और असममित ईथरों को भी बना सकते हैं। तो ये सममित और असममित ईथर होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक समान एल्किल समूह लगे हुए हैं, जैसे CH3O CH3, इसी तरह से दूसरी तरफ मान लीजिए अगर ये एथिल समूह लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भी एथिल समूह लगा हुआ हो, तब ऐसे जो ईथर होते हैं इन्हें हम सिमेट्रिकल या सममित ईथर कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। और जब ये एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब हम इन्हें अनसिमेट्रिकल ईथर्स या असममित ईथर कहते हैं, जैसे CH3O C2H5। इसमें ऑक्सीजन दो अलग अलग एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है, तब ऐसे ईथर को हम असममित ईथर कहते हैं। यहां पर ये हो गया असममित ईथर। तो अब किस तरह से विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम ईथरों का निर्माण करते हैं, आइए देखें। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अल्कोहल का सोडियम या पोटेशियम लवण, सपोज क्या C2H5ONa, ये सोडियम का अल्कोहलिक लवण है, जिसमें इसका जो नाम है वो होता है सोडियम एथॉक्साइड। जब हम अल्कोहलों की सोडियम धातु से या पोटेशियम धातु से क्रिया कराते हैं तो ये हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लवणों का जब हम किसी एल्किल हैलाइड, जैसे मान लीजिए CH3Cl, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा है एल्किल हैलाइड, तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। जब हम मेथिल क्लोराइड का इस सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहां से ये Na और यहां से ये क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, या यूं कहें जो CH3 है वो इसके सोडियम परमाणु को विस्थापित कर देता है और यहां पर स्वयं आकर के जुड़ जाता है और क्या बना लेता है,
C2H5O और ये CH3 और ये हमें मिल गया ईथर, जिसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन। यहां पर जो भी कम नंबर वाले कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें हम ऑक्सी में लिखते हैं और जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होते हैं उन्हें हम एल्केन लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, अगर सिंपली नेम लिखेंगे तो एथिल मेथिल ईथर, और आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो यहां पर मेथॉक्सी एथेन। साथ ही साथ क्या बाहर निकला है यहां पर, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से सी, अगर हमें यहां पर एरोमेटिक ईथर का निर्माण करना है तो C6H5ONa, इसकी क्रिया अगर हम यहां पर किसी एल्किल हैलाइड CH3 और एल्किल हैलाइड, यहां पर ये एल्किल हैलाइड हो गया, तो जब हम ये हैलोजन समूह है जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, यहां से ये सोडियम परमाणु इसके इस हैलोजन परमाणु के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है C6H5O और ये CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा, NaX यानी कि सोडियम हैलाइड। तो यहां पर ये हमें मिल गया एनिसॉल, इसका नेम होता है एनिसॉल। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ये जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तब हमें इसकी प्राप्ति होती है। तो सोडियम फिनॉक्साइड की जब हम किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एनिसॉल यानी जो एरोमेटिक ईथर है उसकी प्राप्ति होती है। अब अगर इसमें CH3ONa, ये सोडियम मेथॉक्साइड हो गया, इसकी क्रिया अगर हम C6H5Cl क्लोरोबेंजीन से कराएं तो ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती है, ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन, ये जो क्लोरीन परमाणु है ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, अनुनाद के कारण इसका जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है, और जो कि कैसा है, मजबूत हो जाता है, और ये यहां से इसको विस्थापित नहीं कर पाता, जिस कारण से आगे ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अगली विधि है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से या एल्कोहलों की क्रिया H2SO4 द्वारा कैसे होती है ये अभिक्रिया देखते हैं। जब हम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये एथेनॉल हो गया, एथिल एल्कोहल की क्रिया HO और ये SO3H, ये हो गया H2SO4, जब इसके साथ कराते हैं टेम्परेचर लगभग 443 केल्विन रहता है, तो क्या होता है, यहां से ये हाइड्रोजन इसके OH के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये निकल जाता है बाहर और हमें प्राप्त होता है C2H5O और ये SO3H, एथिल सल्फोनिक एसिड। और जब ये C2H5O और ये SO3H, इसकी क्रिया फिर से ये क्या करता है, फिर से एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से,
तो यहां पर एथेनॉल, एथेनॉल को एच ओ और ये सी टू एच फाइव इस तरह से। तो क्या होगा, यहां से ये SO3 H और ये HO, ये बाहर निकल जाते हैं और क्या बन जाता है C2H5O और यहां से C2H5 प्लस का ये क्या बचा H2SO4, H2SO4। तो यहां पर जैसा हमने रखा था वो वैसा का वैसा ही प्राप्त हो गया। इसका नेम होता है डाई एथिल ईथर। तो इस विधि द्वारा हम केवल सममित ईथर का ही निर्माण कर सकते हैं। इसको इस अभिक्रिया को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं C2H5OH H2SO4 इस एथिल अल्कोहल को जब हम लगभग 140 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन पर गर्म करते हैं हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो हमें डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल का अणु बाहर निकल जाता है। यहां पर ये मैंने जल का अणु लिखा नहीं है, यहां पर भी जल का अणु ये बनता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया द्वारा अल्कोहलों की जो क्रिया है H2SO4 द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा कराने पर ईथरों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इस विधि द्वारा केवल सममित ईथरों का ही हम निर्माण कर सकते हैं। तो इनके ईथरों के कुछ गुणधर्म देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले इनके कुछ भौतिक गुणधर्म, जो ईथर्स हैं वो सामान्यता जैसे डाइमेथिल ईथर हो गया या फिर डाइएथिल ईथर हो गया, ये नॉर्मली गैसीय होते हैं। और अगर अधिक कार्बन वाले ईथर्स हैं तब ऐसे ईथर्स मोस्टली द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये जिनमें कम ये कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं वो जल में विलेय होते हैं या घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहली अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, मतलब HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ इस ईथरों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइए देखें। तो यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5O और C2H5, ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से ये C2H5 इसके इसे उल्टा करके लिख ले रहे हैं X और H, इसके हैलोजन परमाणु के साथ क्रिया कर लेता है और क्या बना लेगा C2H5X यानी एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड प्लस का और क्या बनेगा यहां से C2H5O और H, C2H5OH जो क्या बन गया एथेनॉल यानी अल्कोहल बनता है। तो हम कह सकते हैं जब ईथरों की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड और अल्कोहलों की प्राप्ति होती है।
ये एक और अभिक्रिया देखते हैं, CH3O C2H5। ये तो जब सममित ईथर है तब की अभिक्रिया हो गई। अब अगर ये असममित ईथर हैं तब इनकी क्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराएं तो क्या प्राप्त होता है? तब क्या होता है, इनमें जो अल्फा एल्किल समूह जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है, तो कम किसमें है, यहां पर CH3, इसमें एक कार्बन है और इसमें कैसे हैं, दो कार्बन परमाणु हैं। तो जिनमें ज्यादा कार्बन परमाणु होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और जिनमें कम कार्बन परमाणु होते हैं वो एल्किल समूह इस हैलाइड के साथ क्रिया करते हैं। तो क्या मिलेगा यहां से, CH3X प्लस का ये एथिल एल्कोहल C2H5OH, यानी एथेनॉल मिल जाता है और यहां पर ये मेथिल हैलाइड मिल जाता है। इसी तरह से अगर अभिक्रिया कराई जाए C6H5OCH3, इसके साथ ये क्या है, एनिसॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस जब एनिसॉल की रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा ये फिनॉल बनता ही बनता है। मींस ये जो CH3 है ये हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड। और ये जो C6H5O है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा C6H5OH यानी फिनॉल। जब भी एनिसॉल किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिनॉल अवश्य बनाता है।